आज लोक कॉलेज में 3 सूत्री मांगों को रखा गया, जिनमें मुख्य थे स्थायी मान्यता को प्रमुख रखा गया। इसके अंदर हमने कैंटीन व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, उनको भी सम्मिलित करके प्राचार्य महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि जल्द से जल्द अगर स्थायी मान्यता का कोई समाधान नहीं निकला तो आगाम ये एग्ज़ाम जब पूरे होंगे 18 तारीख को, तो अगर हमारी मांगे समय पे पूरी नहीं होती है तो हम इसके लिए उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसका संपूर्ण जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन होगा। धर्मेंद्र बाजा, छात्र संघ महासचिव, राजकीय विधि महाविद्यालय।